तो दोस्तों आप सभी ने कभी यूज करते होंगे स्मार्टफोन अपनी लाइफ में। तो दोस्तों स्मार्टफोन यूज करते करते आपने अभी इंस्टॉल करी होगी ऐप जिसका नाम है ट्रूकॉलर। मुझे पता है 80% व्यूज में जानते हैं, 80 या 90 व्यूज जानते होंगे मेरे यूट्यूब सपोर्टर्स इतने भी हैं सब्सक्राइबर जो है कि 90% ट्रूकॉलर ऐप के बारे में। दोस्तों आपने कभी सोचा कि ट्रूकॉलर ऐप कैसे वर्क करती है? दोस्तों आप सभी वीडियो देखते हैं क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ट्रूकॉलर कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसे क्या वर्किंग है, क्या कौन कौन से प्रिंसिपल उसी पर काम करती है और आप कैसे अपने ट्रूकॉलर से नाम अनिश्चय करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप इधर देखते रहिएगा। दोस्तों आप सोचते हैं एक नॉर्मल पर्सन की वजह से, दोस्तों जैसे कि मैं मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे कुछ टेक्निकल फोन नहीं है, तो दोस्तों एक एग्जाम्पल ये सोचते हैं कि दोस्तों मैं ट्रूकॉलर चलाता हूँ, अपने फोन में ट्रूकॉलर रन करता हूँ तो मुझे कोई भी अननोन कॉन्टैक्ट के सभी के नेम्स पता जाते हैं भाई कौन कौन किस नंबर से क्या है, अननोन कॉन्टैक्ट है, क्या इसका नाम है, किस नाम से रजिस्टर्ड हुआ, सब पता जाता है। तो मेरे लिए तो बहुत जादू एक तरह से मैजिक है क्योंकि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्पैमिंग लिस्ट मिल रही है, क्या क्या स्पैमिंग मेरे पास आई है कॉल, और उसमें काफ़ी आसान पड़ जाता है। बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट के, टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा सभी आप सभी व्यूअर्स को कि किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, काफ़ी छोटे प्रिंसिपल और काफ़ी जल्दी समझ आ जाएगी। दोस्तों उसकी प्रिंसिपल है क्राउड सोर्सिंग, तो हाँ जी क्राउड सोर्सिंग इसकी प्रिंसिपल है। तो ट्रूकॉलर और गूगल ट्रैफिक ये दोनों चीजें एक प्रिंसिपल वर्क करती है जिसका नाम है अपना आगे क्राउड सोर्सिंग। दोस्तों ये दोनों चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है हम लोगों के लिए ट्रूकॉलर सर्च के। कैसे दोस्तों आप सभी ने देखा होगा प्ले स्टोर पर आप जाते होंगे, यहाँ पर सभी प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर पर आप सर्च बार करते होंगे ट्रूकॉलर, तो आप देख सकते होंगे प्ले स्टोर पर ट्रूकॉलर कितने डाउनलोड है। अभी मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको ट्रूकॉलर के कितने अभी के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कितने डाउनलोड्स है अभी ट्रूकॉलर के। फटाफट देखता हूँ मैं ट्रूकॉलर के डाउनलोड्स दे देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसके भी है 100 मिलियन डाउनलोड। दोस्तों अब ट्रूकॉलर आप सभी यूज करते हैं, ट्रूकॉलर में एक चीज है कि आप सभी ट्रूकॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं फिर ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद ही आपको ट्रूकॉलर सारे कॉन्टैक्ट सिंक कर लेता है, मतलब एक बार रजिस्ट्री थोड़ी मिल जाती है, थोड़ी बहुत आपको आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपकी मांग लेता है, आप फटाफट कर देते हो साइन अप, तो उसके बाद ही फटाफट सारे सिंक कर लेता है। और अब आप सोचो देखो 100 मिलियन डाउनलोड, तो 100 मिलियन ट्रूकॉलर के सर्वर्स होंगे और कितनी जल्दी मतलब ये सारा मतलब सभी के कॉन्टैक्ट सिंक होंगे जिसके पास स्मार्टफोन है, और जिनके पास नहीं है उनके बाद में बात करूंगा। दोस्तों अब कोई भी अपने पास कोई भी अननोन कॉन्टैक्ट का फोन है, ABCD किसी का भी अननोन कॉन्टैक्ट का फोन है, दोस्तों उसने अगर अपने ट्रूकॉलर अपने सारे कॉन्टैक्ट सिंक कर रखे हैं तो दोस्तों वो फटाफट नाम चले जाएगा। तो हमें हमेशा कभी यार एक्यूरेट नाम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया देने वाला मिलता है कि भाई क्या नाम हो सकता है उस पर्सन का, कैसा नाम हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाता है, बट ट्रूकॉलर इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है इस क्राउड सोर्सिंग लेकर। दोस्तों अब बात आती है अपनी प्राइवेसी को लेके, दोस्तों मैं भी बहुत प्राइवेसी से यूज करता हूँ, बहुत प्राइवेट हूँ मैं भी। दोस्तों प्राइवेसी में आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रूकॉलर की वेबसाइट पर जाना, ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऐप का भी दे दूंगा, ट्रूकॉलर की वेबसाइट को भी दे दूंगा। दोस्तों उस पर जाना है और आपको सिर्फ अपना नंबर वंबर जो भी था आपको जिसपे आपने लॉग इन किया था अपने फोन से उस ऐप से और उसको डालना है, उसमें लिख देना अनरजिस्टर्ड, तो ऑप्शन आएगा तो आपको अनरजिस्टर कर देना है, तो आपका जो ट्रूकॉलर का सारा डाटा वाटा है सब आपका अनरजिस्टर हो जाएगा और आप बिल्कुल प्राइवेट हो जाएंगे और ना आपका कोई डाटा देख पाएगा। किसी का कॉल आएगी आपकी तो वो भी ये नहीं पता लगेगा किस नंबर से या फिर किस नाम से रजिस्टर है, किस नाम से सेव था ये कॉन्टैक्ट, तो ये नहीं पता लगेगा और बिल्कुल आप प्राइवेट हो जाएंगे। दोस्तों अब एक प्रिंसिपल आती है टेक्निकल सपोर्ट, तो हमने बात कर ली कैसे सपोर्ट मतलब कैसे यूज होता है मतलब स्मार्टफोन के जरिए। अब दोस्तों मेरे को पता है कि काफी लोग कीपैड वाला फोन भी अभी भी यूज करते हैं, कीपैड वाला फोन जो बेसिक सा फोन होता है बहुत कीपैड वाला फोन तो वो अभी भी यूज करते हैं और उनके लिए कैसे वर्क कर रहा है आप सोच रहे हो भाई ट्रूकॉलर तो उनके फोन में होता नहीं, उसमें बटन वाले फोन में क्या ट्रूकॉलर होगा, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें बस आप सभी के कॉन्टैक्ट सेव होते ही है यार, कॉन्टैक्ट सेव होते हैं एक बंदे कॉन्टैक्ट कितने लोगों के पास होगा वो बंदा, और जो ट्रूकॉलर ऐप होगी उन बंदों के पास भी होगी जिस बंदे कॉन्टैक्ट सेव है, तो मतलब थोड़ा समझ रहे होंगे कि आप उसके कॉन्टैक्ट से ज्यादा सेव हो जाते हैं हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बस यार वीडियो करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो काफी छोटी थी मुझे पता है कि अगर आप सभी को समझ आ गई होगी, समझ आए तो लाइक कर देना दोस्तों, इन्फॉर्मेशन लगी तो शेयर भी जरूर करना यार, शेयर का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब करके जाना अपने चैनल को, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना जरूर, और काफी ऐसी एक्सप्लेनेशन आने वाली है, अनबॉक्सिंग आने वाली है, टॉप एप्स आएगी जल्दी आएगी, तो बस अब वीडियो करते हैं एंड।